हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है? दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की भोग लगाते हैं, लेकिन धनतेरस जो है दीपावली के 2 दिन पहले ही पड़ जाता है। कहा जाता है कि देव और दानों ने मिल कर करके जब समुद्र मंथन किया तो उस दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ। धन्वंतरी धन के देवता हैं, माँ लक्ष्मी भी उनके पूरक है। इन दोनों के जन्म होने के कारण जो है धनतेरस मनाया जाता है। धन्वंतरी भगवान जो हैं हमेशा अपने भक्तों पर, जो भक्त अपने घर को सर सफाई कर करके व्यवसायी अपने व्यवसाय में रहने वाले दुकान को सर सफाई कर करके अपने धन पर दिया अगर जलाते हैं तो भगवान जो हैं खुश रहते हैं, उसे धन धान से भर देते हैं। दोस्तों, इस रोज क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए? पीतल के बने हुए बर्तन को छोड़ करके, अर्थात पीतल को छोड़ करके जो भी आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। पीतल इस रोज नहीं खरीदना है, वर्जित है। आप जो है सोने चांदी आभूषण खरीद सकते हैं, बर्तन जो है आप खरीद सकते हैं। बर्तन और आभूषण घर में ले जाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपको धन धान से भर देती हैं। इस रोज धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर ले जाना चाहिए। झाड़ू खरीद कर अपने घरों में ले जाते हैं तो इसको देखकर माँ लक्ष्मी जो है बड़ा ही प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान देती हैं। इस प्रकार ये चीज़ खरीदना चाहिए और ये चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, एक बात और है, धनतेरस के दिन आप जो हैं झाड़ू खरीदना मत भूलिएगा। झाड़ू जो है सबसे बड़ा प्रथा है, झाड़ू जो है सबसे, इसको देखकर माँ लक्ष्मी जो है बहुत प्रसन्न होती है, इसलिए आप झाड़ू जरूर खरीदिएगा। नमस्कार।